बोर्ड पे, तो आप तो समझ गए भाई ऐसा है, तो वहाँ पे ये चेक करना है कि LDO जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो LDO जनरेट हो रहा है कि नहीं, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप जो है या तो IC लगा हुआ है, IC के पास में आप देखेंगे तो कैपेसिटर आपको इसके पास देखेंगे तो एक कैपेसिटर 5 वोल्ट दिखा देगा कहीं, और एक कैपेसिटर 1 वोल्ट दिखा देगा, ठीक है जी। अगर कहीं पे भी इसके आजू बाजू में नहीं है तो समझ जाइए कि नहीं ऑलवेज बन रहा है, नहीं LDO बन रहा है, ठीक है जी। अगर LDO बन रहा होगा तो मान लीजिए ये ऑलवेज नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में ऑन ऑफ स्विच पे आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट वहाँ पे दिखाएगा, ठीक है जी, क्योंकि LDO से वो वोल्ट ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे चेक करना है, चेक स्टेप डाउन सेक्शन 3 वोल्ट ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज बन रहा है कि नहीं, उसके बाद चेक करेंगे 3 वोल्ट LDO और 5 वोल्ट LDO बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है जी। अगर इनसे आपको मान लीजिए कि डायरेक्टली पता नहीं था तो डायग्राम होगा, डायग्राम जब खोलेंगे, खोलने के बाद जब देखेंगे तो ऑलवेज जहाँ पे होगा ऑलवेज दिखा दिया होगा, LDO जहाँ पे होगा LDO दिखा, उस पिन पे जाके देखना है कि LDO जनरेट हो रहा है कि नहीं होगा, ठीक है जी। ओके होगा तब तो कोई बात नहीं, ओके नहीं होगा तो फिर सेक्शन को आपको तो पे क्या होगा, दोनों जो है कैपेसिटर ये भी खराब हो जाता है, स्टेप डाउन भी 3-5 बना रहा है लेकिन हमारा क्या चेक करेंगे, ठीक है जी। तो बीन सेक्शन पे कॉमन पॉइंट पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा था, ग्राउंड हो जा रहा था, पहली बार आ रहा था, ग्राउंड हो जा रहा था, तो अब देखते मान लीजिए इफ कॉमन पॉइंट, तो इसमें सबसे ज्यादा जो खराब होगा ये MOSFET जो लगा होगा, जो अब देखो यहाँ पे एक चीज जो है कंफर्म करना है, मैंने बता रखा है अगर पी चैनल MOSFET अगर एन चैनल MOSFET तो पी चैनल है तो गेट को ड्राइव करने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, 0.09 एडाप्टर का हाफ, ठीक है जी। तो ये कितना होना चाहिए, 0.09। अगर एन चैनल है तो कितना होना चाहिए, 12-20। गेट को ही पहले चेक करना है, गेट से आपको पता चल जाएगा कि पी चैनल आपका ओके है कि नहीं, ठीक है जी। तो गेट को सबसे पहले आप चेक करेंगे एंड रिलेटेड